Remember, we are dealing with the high quality work. बोलने का high quality work is called voiceover. Things you should do before you record. Try to get this at least few hours or a day before, so that you go through it and prepare yourself. Okay. अभी मैं करता जा रहा हूँ वहाँ recorder पर. You know, the whole focus should be on the script. Press 2 for current offers on recharge. Press 3 for Vodafone 3G. दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मोरे, आपका रेडियो मित्र। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप वॉइस ओवर की ट्रेनिंग देते हैं, तो इसका जवाब यही होता है कि मैं ट्रेनिंग नहीं देता, लेकिन आपकी गलतियां बता सकता हूं और किस तरह से सुधार किया जा सकता है, ये मैं आपको भली भांति बता सकता हूँ। मेरे एक मित्र हैं नीरज एम. मेहरा, जो कि दिल्ली में रहते हैं और उनका वॉइस आर्टिस्ट .com एक वेबसाइट है और वो वॉइस कोच हैं और बहुत ही अच्छा काम मिलता है उनकी तरफ से। उन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग का आयोजन इंदौर में किया था। वॉइस क्या होती है, कैसे आपको अपनी आवाज़ को बनाना है और किस तरह के काम आपको आएंगे और आपको वो कैसे काम करना है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं उनके द्वारा बताई गई जानकारी। Loosely align the outline of the foot and paper arrangement such that the paper is within the rectangle. Okay, fine. थोड़ा सा जहाँ फुल स्टॉप आता है, बी ट्राई टू बी क्लियर देयर, लाइक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, जो लास्ट वर्ड रेक्टेंगल था ना, तो वो रेक्टेंगल आप छोड़ रहे हो, ऐसे कर रहे हो रेक्टेंगल। ओके, मैं कह रहा हूँ रेक्टेंगल। ओके, शुड आई स्टार्ट ओवर? यस, अब रिकॉर्ड करते हैं। 1 राइट फुट सिंगल पेपर टॉप व्यू। इसको हमें तराशना है कि भाई हम डिग्रेड ना हो, हमारी वॉइस दिन ब दिन अच्छी ही हो, इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, जैसे म्यूजिक में कहते हैं ना, आप रियाज करिए, जब तक आप रियाज करते रहेंगे आपकी वॉइस तैयार है। तो ऐसे ही वॉइस ओवर में भी आप रियाज का मतलब होता है कि आप कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपको पता लगेगा कि मैं बेटर होता जा रहा हूँ, मेरा गला जो है बेटर होता जा रहा है, मेरी साउंड बेटर होती जा रही है। ठीक है, हैं तो ये सारी योगिक एक्सरसाइजेज ही, लेकिन ये आपको कहाँ मदद करेंगी? पहले तो आपका सांस अच्छा करेंगे, ब्रेथ। हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। स्टेमिना, जैसे बोला था, वोकल स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? नॉर्मली आप यहाँ पर आए तो आप यूनिफॉर्म, जो अनयूनिफॉर्म होते हैं वो कुछ आपने लोग, अरे क्या हाल है, हाँ अरे यार मैं क्या, बात बनी नहीं यार, कुछ मज़ा नहीं आया। देखो कैसे अनयूनिफॉर्म, एक वर्ड ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक फिर डिप हो रहा है। तो ये ऐसे लोग को बड़ा मुश्किल होता है वॉइस ओवर में आना। बेस बास होता है लो डीप वॉइस की, भारीपन, आवाज का भारीपन कैसे करें। ठीक है, देखिए आवाज भारी कैसे कर लिया जाता है। रेजोनेंस होता है गुंजन, कि हमारे गले में ना एक नेचुरल एको है, नेचुरल रिवर्ब है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा ये एरिया साउंड प्रूफ है कि यहाँ से सारी वॉइस हमारे मुंह से ही बाहर निकल रही है। 50% तो यहाँ से बाहर आ रही है, सुनाई दे रही है अच्छी खासी। तो हमें इसका भी यूज करना चाहिए। ये कुछ लोगों में अट्रैक्शन होता है। आप कभी देखो 4-5 लोग आपस में बात कर रहे हो, अचानक एक जिसका अच्छा रेजोनेंस है, अरे भाई क्या हो रहा है हमें भी बताओ, उसकी वॉइस सुनते ही सब चुप हो जाएंगे, अरे यार बंदा आ गया, हाँ 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 हाँ, मतलब ऐसा उसका अट्रैक्शन है। सोनू निगम में बहुत जबरदस्त रेजोनेंस है। सोनू निगम बिना माइक के भी गाए ना, तो तब भी लोग चुप होके सुनते हैं। कभी आप देखो वो कैसे माइक लगवाता है, वो माइक को लगवाता है ऊपर से, ऐसे वो कहते हैं ऊपर से लगाता कि मेरा गला ऐसे रहे, मेरा ये पार्ट का भी वॉइस जो है माइक तक पहुंचे। बेस्ट माइक्स यूज करता है, कि जितने भी सेंसिटिव होते हैं ना माइक, वो यूज करता है कि गले का मेरा ये यहाँ का भी जो साउंड निकल रहा है वो भी कैच करे। तो ये रेजोनेंस होता है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं। और स्मूथनेस होता है कि गला आपके बस में हो। कुछ लोग बोलते बोलते ऐसे हो जाते हैं, बात करते करते ऐसे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका गला पकड़ छोड़ देता है, वहां पे आपका कंट्रोल छूट जाता है। क्योंकि देखिए ये हमारा टूल है, अब आवाज कैसे बनती है, साउंड कैसे आती है? जब हम सांस लेते हैं, सांस लिया तो हमारे दो कैविटी होती है, जाता तो लंग्स में ही है, लेकिन लंग का भी दो पार्ट है, एक अपर लंग एक लोअर लंग। लोअर लंग के यहाँ डायाफ्राम है, जैसे ये डायाफ्राम, तो डायाफ्राम में आप सांस जब भरते हैं ना, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें साउंड की या जब भी आप माइक के पीछे खड़े हों, ऑलवेज इनहेल फ्रॉम माउथ, केवल मुंह का यूज करना, नाक से सांस नहीं लेना है। मतलब जब आप यही कर रहे हो, ये नहीं कि सड़क पे गए आप मुंह से सांस लेने, रिकॉर्डिंग के पहले, हर वक्त के दौरान, एक्सरसाइजेस के दौरान। क्यों हम कहते हैं मुंह से सांस लो? ज्यादा जाती है, हाँ ज्यादा जाती है, आवाज नहीं होती, ठीक है, क्विकली चली जाती है। अब सिंगिंग को देखो, अब एक गाना है, देखिए कितना छोटा सा सोनू निगम को पार्ट मिला सांस लेने का, उस दौरान वो नाक से सांस लेता तो वो गाना बन ही नहीं पाता। वैसे तो लेते ही नहीं है वो, तो जो ट्रेंड सिंगर होते हैं वो तो उनको पहले ही सिखा दिया जाता है। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस इतना सा मिला, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में उसने मुंह से सांस लिया और अगली लाइन फिर से उसने रिपीट की। क्यों हम मुंह से लेते हैं? तो मेजर फैक्टर है कि यू डोंट गेट टायर्ड सून। आप लोग में से कई लोग फ्लैट्स में अगर रहते हैं, आप चढ़ के देखो मुंह बंद करके, नाक से सांस लेके चढ़ के देखो, आप दो माले भी नहीं चढ़ सकते, आपका मुंह खुल जाता है। आप ट्रेडमिल पे भागो, आप 100 मीटर नहीं भाग सकते, थोड़ी देर में फिर आप चाहे 2 किलोमीटर भाग लो। तो आपको अगर आप शुरू से ही मुंह खोल करके चलो तो आपका स्टैमिना बिल्डअप होगा, आप लंबे तक कर पाओगे, ठीक है। तो ऑलवेज इनहेल फ्रॉम माउथ। अब मैंने सांस भरा, दो कैविटी होती है, एक वो अपर कैविटी एक लोअर कैविटी। जब आप लोअर कैविटी में सांस भरेंगे तो आपका पेट ऊपर जाना चाहिए। कभी छोटा बच्चा देखो, सो रहा हो 1-2 साल का, उसको भगवान ने सांस लेने का, अगर आप गूगल पे भी करोगे ना व्हाट इज द राइट वे टू ब्रीथ, तो आपको बताया जाएगा कि डायफ्राम ब्रीथिंग, कि आप नाक से भी सांस लो तो पेट आप कैसे जाए नीचे, सांस लिया तो पेट बाहर, तो आप जल्दी थकेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जब सांस ऊपर गई और यहाँ से डायफ्राम क्या करता है, उसको धीरे धीरे स्ट्रीम में भेजता है। ऐसे नहीं कि एक साथ वॉल्व खोल दिया तो आप तो मेरा नाम खत्म। अब जिनको अस्थमा होता है, बहुत सीवियर होता है, वो तो कर ही नहीं पाते। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं वो एक सेंटेंस, एक ब्रेथ में 3-4 वर्ड बोल पाते हैं बस। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि है ना, हमारा मकसद है कि आप एक ब्रेथ में 7-8 वर्ड 10 वर्ड बोल पाए, और एक ही वर्ड यहाँ काम करता है, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी 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 ब्रेथ, क्वालिटी अटरेंस, क्वालिटी वर्ड। तो यहाँ से जब सांस ऊपर गई तो यहाँ हमारा ये वोकल फोल्ड है, वोकल कॉर्ड है, जो सबका एक अलग अलग शेप का होता है। किसी का ऊपर से मोटा है, किसी का पतला है, किसी का एक, भगवान ने जब एडोलेसेंस का एज आता है तब ये चेंजेस आते हैं, नहीं तो 5 या 6 साल के एज में आप नहीं बता सकते फोन पे कि ये बॉय बोल रहा है या गर्ल बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाइब्रेट हुआ, उसके आगे फिर ये साउंड गई जबड़े में, जॉ में, एंड हेयर यू गिव इट अ डायलेक्ट कि त बोलना है तो ऐसे लगो, ना बोलना है तो ऐसे लगो, ल बोलना है तो ऐसे लगो। और ये डायलेक्ट आप समाज से सीखते हैं, यू हैव लर्नड इट सोशली, ओके। अब क्या वर्ड है, अब क्या वर्ड हर जगह अलग है। यूपी में का, हाँ, पंजाब में कुछ हो जाता है क्या क्या, हरियाणा में क्या छोर हो जाता है भी कई जगह पे। हरियाणा में हाँ ऐसे बोलते हैं, कई जगह हे बोलते हैं, से बोलते हैं, वो तो खैर अलग ही हो गया वर्ड, लेकिन बोलने का भी, या लहजा बोलते हैं, तभी तो कहते हैं हम इंडिया में हर 40 किलोमीटर बाद भाषा नहीं बदलती, लहजा बदलता है। तो यहाँ पे आके आप उसको सही तरीके से अपनी भाषा का एक रूप देते हैं, ठीक है। तो हमें सही तरीके से पहले तो ब्रीथ करना है। उसका तरीका क्या है? डायाफ्राम ब्रीदिंग। जैसे मैंने आपको बोला ये 10 मिनट की एक्सरसाइज, आप ये इसको 10 मिनट लगेंगे ये 6 एक्सरसाइज करने में। नाउ वी कम टू ओम की ध्वनि, इसका सही उच्चारण तरीका वही है। सीधे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, खड़े होके कर लो, कैसे भी कर लो, ओके। ऐसे पहले मुंह से सांस लिया, पेट बाहर, ओम, मैं धीरे धीरे दबाता जा रहा हूं। जहां पे लगे मेरा सांस टूट रहा है, डेलिब्रेटली स्टॉप, क्योंकि उसके आगे द क्वालिटी हैज गॉन डाउन। तो जहां क्वालिटी डिप हुई, इन एनी केस यू हैव टू कट, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ओम 50% ओ, 50% म। अब आप इसमें थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं, यू नो। आप सारे गामा पा, हमें नहीं कह रहे सारे गामा पकड़ो, जस्ट एक आगे चले जाओ। अभी मैं डेलिब्रेटली स्टॉप हो गया, चाहूं तो मैं करके 5 सेकंड और जा सकता हूं, उसका कोई यूज नहीं। तो जब मैं ओ कर रहा हूं तो मेरे ब्रेथ स्टेमिना काम करता है, जब मैं म करता हूं तो ये स्मूथनेस और रेजोनेंस का पार्ट काम करता है, यहाँ वाइब्रेशन आता है। हम क्यों कर रहे हैं ये सब? सो दैट हम गला हमारे पकड़ में रहे, यू नो। लाइक म्यूजिक में इतना रियाज करवाते हैं, बैठ के हारमोनियम के साथ सा करते जाओ कि भाई आप का बिल्कुल स्केल्स के साथ जेल हो जाए, ओके। तो वॉइस ओवर में हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रेशर को तैयार करते हैं कि हमारा एयर प्रेशर शुड ऑलवेज बी बेटर, ओके। यहाँ पे हम एयर का प्रेशर लगाते हैं। एक सिंगर अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है, बट एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट सिंगिंग करने जाए तो बहुत कम लोग कर पाते। जिन्होंने सिंगिंग सीखी हो वही कर पाता है, अदरवाइज वो क्या करता है, वो प्रेशर डाल के सुर तोड़ देता है, ओके। तो उसके अगला है भ्रामरी प्राणायाम, ओके। इसमें जैसे मैंने बोला कि इसमें आप सारे गामा कर सकते हो और नीचे का भी कर सकते हो। नीचे का होता है लो ऑक्टेव, जैसे एक हारमोनियम में देखते हैं ना कितने सारे कीज होते हैं, हाँ। तो सारे गामा पा धा नी, नीचे का भी तो होता है सा नी ध प म ग रे सा। तो जब आप नीचे जाते हो तो आपका क्या करता है, आपका जो लो डीप वॉइस है, भारीपन है वॉइस का, वो बढ़ता है। तो क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड जो ऐसी है ना, हम उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करें बाहर की तरफ। ये भारीपन में, ठीक है। कोशिश करिए, नॉर्मल करते हैं तो करिए, नॉर्मल करिए। हाँ, अब भारी वाला करिए। तो जितना आप इसमें कर सकते हैं नाप के करिए। सारे, मैं ये नहीं कह रहा आपको एग्जैक्ट मास्टर करना है स्केल, हम कह रहे हैं बस ऊपर जाओ नीचे जाओ, चाहे जितना भी जाओ, ताकि आपके गले का जो ये वोकल कॉर्ड है इसको प्रैक्टिस को मिले कि मैं स्ट्रेच हो सकता हूँ, ठीक है। और स्मूथनेस आए, स्मूथनेस के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है भ्रामरी प्राणायाम। जैसे आपको दिखाते होंगे, जैसे कान बंद कर लो या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है ना, और ऐसे करो। तो चाहे आप कैसे भी करो, आपको कान बंद करना है, आप ऐसे कान बंद कर लो एक फ्लैप से, ठीक है। मुंह से सांस भरा, इसको आराम से यहाँ करके खींचना सर, ऐसे दूर से मत, प्रॉपर खींचना। अभी खींच लेना बाद में, पहले समझ लो। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आप सा रे गा मा जहां सांस टूटने लगे अपने आप रुक जाओ, फिर नीचे वाला पार्ट ले लो ओम जैसे, कान को बंद करके, तो ये आपका जो है ना एक गले को स्मूथ करेगा। ठीक है, ग्रेन्स डेवलप करेगा उसके अंदर, भारीपन भी जब आप ये वाला करते हैं ना तब आपका ये भारीपन आता है वॉइस में। देखते हैं ये क्यों पसंद कही जाती है। आप जैसे आपकी वॉइस है, मतलब इसकी वॉइस है लियम, LIAM, हाँ ओके लियम, योर द काइंड ऑफ वॉइस टेक्सचर यू हैव इज अ वेरी यू नो marketable voice texture. People prefer this kind of voice, you know. Okay. I'm telling. So, मतलब overall आप ये मान के चलो कि means how will you define a good voice over artist? You know, it's not that I have a good voice. आवाज तो सब्जी वाले कबाड़ी वाले की हमसे ज्यादा अच्छी होती, भारी होती, दो गली में भी बोलता है तो सुनाई देता है ना, लेकिन उसको आप आर्टिस्ट नहीं बना सकते। A good voice-over artist is who can reproduce exactly the same way as the director wants. जैसा क्लाइंट चाह रहा है आप वैसा वॉइस अपना नरेशन या टोन दे रहे हो, उसको कहते हैं दैट्स ही इज अ गुड वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कि यार जैसा मैं मांगना चाह रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा। अभी हमने एक ऐड किया था, कोई रशियन ब्रांड है एयर प्योरीफायर का या डिश वॉशर का शायद, अब उसने 30 सेकंड के ऐड के लिए 3 घंटे की ब्रीफिंग देता है डायरेक्टर, नहीं इसके पीछे की कहानी है, ये है, वो लड़का बड़ा परेशान है, वैसा टोन आना चाहिए, दैट्स बॉय शुड साउंड स्टूपिड व्हाइल सेइंग आई विल वॉश द क्लोथ्स, नहीं ऐसे नहीं, आई विल वॉश द क्लोथ्स, आई विल वॉश द क्लोथ्स, नहीं ऐसा आना चाहिए, नहीं ऐसा आना चाहिए। इतनी ब्रीफिंग वो दे चुका है, चलो दे दी ब्रीफिंग, फिर कहता है नहीं नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मेरे क्लाइंट ने फिर बोला है और दोबारा करते हैं सेशन, जूम पे मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ आर्टिस्ट को, चलो जूम भी कर लिया, तब भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। उसके बाद आता है कि वोकल कुंगफू, सॉरी सिंहासन। सिंहासन भी एक योगिक आसन है, कि ऐसे सिंह मतलब होता है लायन, कि लायन की तरह रोर करो। क्या होता है हमारे गले में ना बार बार कई बार म्यूकस बनता है, आप बार बार क्लियर करते हो, तो ये उसको क्लियर करने का बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है, कि आप पूरे जो अंदर का जो पार्ट है टॉन्सिल एरिया और ये सारा है वो वाइब्रेट हो जाता है, ऐसा वाइब्रेट हो जाता है कि आपका गला क्लीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये हार्शली नहीं करना है, क्योंकि योगिक आसन में थोड़ा हार्शली कराते हैं उनकी वो लोग, हमारा वोकल सेंट्रिक है, वी आर ऑल वोकल सेंट्रिक, हम चाहते हैं आपके गले को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, That should not hurt your throat. तो इसको करने का तरीका वैसे तो बताते हैं ऐसे बैठ जाओ सिंहासन, एक मुंह टंग को पूरा बाहर निकालो, बट आप घर में कैसे भी करो, बस मेन मोटिव है कि आप थोड़ा झुकिए और टंग को पूरा स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करिए और फिर थोड़ा सा मसाज करिए। जैसे ही आप ये करते हैं आपका पूरा गला जितना म्यूकस है अपने आप वो स्वलो हो जाता है, गला क्लीन हो जाता है। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज टू क्लीन द थ्रोट। ओके, एक और एक्सरसाइज है वोकल कुंगफू। कुंगफू से आपको क्या दिमाग में आता है? हा ही हू। अब मान लीजिए आपने कुछ पूरा दिन आपने प्रेजेंटेशन करी या बहुत बोले, शाम तक, नॉर्मली शाम तक आते आते आप कई बार जिनका बहुत बोलने का काम होता है ऑफिस में, यू नो दे फील so stressed and tired, they say यार I just want to rest now, I cannot speak much। फोन भी आता तो आपका मन नहीं करता कि यार कौन बोले इतना। ठीक है, for that you know अचानक रिकॉर्डिंग आ गई, या सिंगर्स होते हैं अचानक उन्हें 2 शो मिल गए, शाम को भी करना है, तो प्रिपरेशन कैसे करें? तो दिस वर्क्स एज एन SOS, कि आपका गले के अंदर अचानक से 20 to 30% पावर अचानक आ जाए, एक स्टार्ट आ जाएगी। होता क्या है, ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है ना, जब आप सुबह उठते हैं तो कितना फ्रेश होता है. यू नो, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जस्ट से व्हाट्स द टाइम, और आवाज़ आती है व्हाट्स द टाइम. आपने प्रेशर नहीं लगाया लेकिन आवाज़ अच्छी आई. वाई? क्योंकि आपकी वोकल कॉर्ड सारी खुली हुई है. जहाँ से एयर जाती है वो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन करती है कि ज़्यादा साउंड उत्पन्न होती है. तो सारा फ्रिक्शन ही ना, यहाँ से एयर जा रही है, फ्रिक्शन कर रही है और आवाज़ हो रही है. आप कभी ना कभी आपका ऐसा हुआ होगा लाइफ में, ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में होता है, व्हेन यू आर यू नो स्लाइटली इनोसेंट. कोई कहता है यार मेरे लिए कैंपेनिंग करो, वोट फॉर, वोट फॉर. सारा दिन आप चिल्लाते हो उसके कहने पे, और शाम को क्या होता है, अरे यार मेरा गला बैठ गया यार, आवाज़ नहीं आ रही यार, गला बैठ गया. देखो, ये भगवान का प्लान भी काम करता है. ये जो पार्ट है ना, ये ऐसे खुल जाता है क्योंकि आपने इतना जोर से शाउट कर करके गले में क्रैक्स 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 जख्म कर दिया अंदर. इट्स ऑल वूंडेड. तो भगवान का प्लान भी होता है, उसको उसे खोल देता है कि हवा सीधे निकल रही है और सीधा आप टंग से उसमें उसको भाषा दे रहे. ठीक है, फिर धीरे 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 रेस्ट करोगे तो वो वापस आएगी अपनी जगह. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपको जो आपका गला शाम तक कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो आपकी आवाज़, आपको बड़ा दम लगाना पड़ता है बोलने के लिए. ठीक है, उसको ये खोलता है. कैसे खोलता है? आप सीधे बैठ जाएं, जैसे कपालभाति प्राणायाम है, सब लोग कराते हैं, ऐसे कराते हैं. ध्यान रहे आपका गला जो है ना थोड़ा सा ऊपर हो, ऐसे नहीं, 5-10 डिग्री ऊपर बस, ताकि आपका जो एयर है सीधा टच होके निकले. हम इसको करते हैं मुंह खोल के. मैंने बोला ना, ऑल द एक्सरसाइजेज हैव टू बी डन थ्रू ओपन माउथ एक्सेप्ट भ्रामरी, क्योंकि इसमें तो हमिंग साउंड करना है. तो कैसे करना है, हा, 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 हे, हा, 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 हा. अब ये क्या कर रहा है, देखिए मेरी आवाज में ग्रेन्स आने लग गए. एक इंस्टेंट आपको प्रेशर पावर देता है कि ये क्या करता है, नीचे से जो आपका गला चिप छोटा हो गया उसको एयर ऐसे मार रहा है, थाक थाक थाक, और गले को उसके राइट शेप में लेके आ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड वोकल कुंग फू. 1 सेकंड में एक बार थ्रस्ट देना है मुंह ऊपर करके. हा 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 हे हो हा हा. थोड़ा सा, मतलब देखिए खुद मेरी पावर बन रही है, मुझे खुद एहसास हो रहा है कि आई एम गेटिंग मोर पावर, कि गला मेरा खुलता जा रहा है. ये आप SOS भी कर सकते हैं और नॉर्मली वैसे भी कर सकते हैं. ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपके इन एक्सरसाइजेस से लेके, एनीथिंग डोंट नॉट अंडरस्टूड एज येट, देन वील कम टू द पिच पार्ट. ओके, इसके अंदर एक स्क्रिप्ट है, दिस इज माई वॉइस, उसको आप खोल लीजिए अपने अपने स्क्रिप्ट में. लेट्स कम टू द पिच पार्ट. भी स्क्रिप्ट आपको आएगी, यू हैव टू डिसाइड अपॉन द पिच, कि मुझे किस पिच पे बोलना है. सा रे गा मा पा इधर जाना है, या सा नी ध प म. नीचे वाले में कोई खास पिच में कोई 1-2 लाइन होती हैं बस, अदरवाइज ऑल स्क्रिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन मिड या हाई 1 हाई 2. बस इसके अंदर हाई 3 हाई 4 में भी हम नहीं जाते. सारा काम यही होता है मैक्सिमम 90-95% का. कभी कभी 2-3 लाइनें लो की आती हैं, बट यू शुड नो. इसका कहने का मतलब, देखिए ये एक्सरसाइजेज भी आपको इसीलिए बताई गई हैं सो दैट यू कैन टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम योर आउटपुट, मीन्स क्वालिटी आउटपुट. बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि वी आर वर्किंग ऑन ओनली द क्वालिटी पार्ट. जहाँ पे आपकी क्वालिटी अच्छी होगी यू आर देयर, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं. ठीक है, कट आ जाएगा, रीटेक करना पड़ेगा. ओके, तो ये वाला जो स्क्रिप्ट अब आप देख रहे हैं, दिस इज माय वॉइस, ये हम सब लोग प्रैक्टिस करेंगे. अब आपको बोलने की बारी भी आने वाली है आप सबकी. ठीक है, पहले मैं आपको ये सारी पिच में करके दिखाऊंगा. मैं आप नॉर्मल में करूँगा, लो में करूँगा, H1 में करूँगा, H2 H3 H4 तक जाऊँगा. ठीक है, उसके बाद आपको मेरी तरह रिपीट करना है. आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी वाला स्क्रिप्ट ले सकते हैं, इंग्लिश में है तो यू कैन टेक इंग्लिश. ओके, पहले मैं नॉर्मल में बोलता हूँ, यू सी कि जहाँ पे अंडरलाइन है दैट मीन्स लियाम, दैट मीन्स दैट दिस वर्ड्स हैव टू बी स्ट्रेस्ड. आर देयर सम अंडरलाइन वर्ड्स देयर? यस यस देयर. वेयर व्हिच इज अंडरलाइन? वॉइस. Then no music. Okay, then there are some slashes also there. Yes, yes. So slashes means that these are all places you have to give a slight pause while speaking. And जो double वाले हैं that means कि that's a long pause, you can stop at the full stop. Okay, तो मैं आपको पहले एक करके दिखाता हूँ. This is my voice. There is no music and there are no sound effects. Only the pure clear sound recorded for your ears. I am a voice artist, a voice actor, a voice talent, and I can convey my message in many ways, in many tones and with many emotions. Okay, this is normal pitch. Normal pitch में मैंने बोला. अब मैं नीचे जाता हूँ. नीचे जाने का मतलब है कि थोड़ा सा low pitch में जाता हूँ. ठीक है. तो उसके लिए मैं कुछ रिलेट करूँगा. देखिए, एक और वॉइस ओवर का गुड टेक्निक होता है दैट नेवर कीप योर माइंड एम्प्टी. कुछ उससे अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो यू शुड थिंक ऑफ समथिंग रिलेटेड टू दैट. अब लो पिच का मतलब होता है समथिंग डिप्रेशन, डलनेस, सैडनेस, पॉवर्टी, ऑर्फनेज. ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा. धारावी, द लैंड ऑफ स्लम्स. फिर मैं अपने आप को यहाँ जोड़ लूँगा. दिस इज माई वॉइस. There is no music and there are no sound effects. Only the pure clear sound recorded for your ears. I am a voice artist, a voice actor, a voice talent. And I can convey my message in many ways, in many tones and with many emotions. ठीक है. अब आपने क्या फ़र्क देखा सब में कि पहले वाला था एम्फोसाइज कर रहा था मैं. ठीक है, खींच रहा था शब्दों को, स्ट्रेचिंग थी थोड़ी सी. इसमें श्रिंक हो गए, एक डलनेस आ गई, एक सैडनेस आ गई. ठीक है, बट यू इफ़ यू रिलेट टू समथिंग आपके लिए मुश्किल नहीं होगा करना. बट माई ब्रेन इज नॉट लेटिंग मी अलाउ टू डू दिस. वो कहता है यार इस टोन में तो बोलना ही नहीं है, बिकॉज हम समझते हैं, हम कंटेक्स्ट को समझ रहे हैं क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं. तो हमारा ब्रेन अलाउ नहीं करता. हमारा ब्रेन कहता है इसको यार तेज़ बोलना चाहिए, इसको अच्छे पिच पे बोलना चाहिए, ऊपर का पिच में बोलना चाहिए. बट टू फॉर दिस एक्सरसाइज कॉन्शियस एफर्ट आपको डालना पड़ेगा टू बी देयर. और जब आप बोलेंगे आपका ब्रेन, आपको एक लाइन आप सही बोलेंगे, उसके सेकेंड लाइन में आपका ब्रेन भागेगा कि मैं इसको ऐसे बोलूँ. ठीक है, अब हम हाई पे आते. थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होगी अब और होती जाएगी ऊपर. ठीक है, H1. This is my voice. There is no music and there are no sound effects. Only the pure clear sound recorded for your ears. I am a voice artist, a voice actor, a voice talent, and I can convey my message in many ways. ठीक है जी. अब H2 में थोड़ा सा और स्ट्रेच होगा. This is my voice. There is no music and there are no sound effects. Only the pure clear sound recorded for your ears. I am a voice artist, a voice actor, a voice talent, and I can convey my message in many ways, in many tones and with many emotions. H3. This is my voice. There is no music and there are no sound effects. Only the pure clear sound recorded for your ears. I am a voice artist, a voice actor, a voice talent, and I can convey my message in many ways, in many tones and with many emotions. अब मेरी ये वॉइस एक टाइम पे आके एक लिमिट आ जाएगा कि चेंज होने लगेगी. H4. This is my voice. देखिए मैं शाउटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये भी ध्यान में रखिए. अगर मैं शाउटिंग करूँ तो मेरी वॉइस ऐसी होगी. This is my voice. There is no music and there are no sound effects. This is called shouting. मैं सेम मॉड्यूलेशन में पिच चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, मॉड्यूलेशन का स्तर भी बढ़ रहा है. मीन्स आई एम स्ट्रेसिंग वेरी हार्ड नाउ ऑन द वर्ड्स. दिस इज माई वॉइस. देयर इज नो म्यूजिक एंड देयर आर नो साउंड इफेक्ट्स. ओनली द प्योर क्लियर साउंड रिकॉर्डेड फॉर योर इयर्स. आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट, अ वॉइस एक्टर, अ वॉइस टैलेंट, and I can convey my message in many ways, in many tones and with many emotions. ठीक है, अब इसके आगे मैं जाऊंगा तो मुझे मेरी वॉइस मतलब आवाज ही बदल जाएगी, क्योंकि बहुत प्रेशर लग रहा है, बहुत प्रेशर लग रहा है. This is my voice. There is no music and there are no sound effects. Only the pure clear sound recorded for your ears. बहुत पतली होगी वॉइस, है ना? तो खैर ये यहाँ तक कभी कोई जाता ही नहीं, तो मैं आपके लिए जैसे अंग्रेज लोग जो ऐड बनाते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद थी, हाँ तो करते हैं ना, वो सेल टोन हो जाता है, ये वाला टोन में बनाता है वो, तो दो चार लाइनें होती हैं ऐसी, बिल्कुल होती है. अगर आप किसी को गाओगे मुझे मिला ये एक प्रोडक्ट, मेरा जीवन बदल गया टाइप्स, मतलब होता है उसके अंदर मॉड्यूलेशन डालना, उसके अंदर सही वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस करना. कैसे? ये मेरी आवाज है, इसमें संगीत नहीं है और ना ही साउंड इफेक्ट्स हैं. ठीक है, फर्क देखा? ये मेरी आवाज है, इसमें संगीत नहीं है और ना ही साउंड इफेक्ट्स हैं. ये मेरी आवाज है, इसमें संगीत नहीं है और ना ही साउंड इफेक्ट्स हैं. सिर्फ एक साफ स्पष्ट आवाज. सर ठीक आ रहा है, थोड़ा सा और कर देते, ठीक है. ये मेरी आवाज है, इसमें संगीत नहीं है और ना ही साउंड इफेक्ट्स हैं. सिर्फ एक साफ स्पष्ट आवाज आपके कानों के लिए. इसको कहते हैं इन टोटलिटी एनर्जी डालना, कि भाई सॉफ्टली नहीं बोलना, कि ऐसे जैसे आप सॉफ्टली बोल रहे हैं उसको एनर्जी डालना नहीं कहते, ठीक है. There is no music and there are no sound effects. Only the pure clear sound recorded for your ears. I am a voice artist, a voice actor, a voice talent, and I can convey my message in many ways, in many tones and with many emotions. आपका ठहराव मिस हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? This is my voice. There is no music and there are no sound effects. पहला modulation का part है pitch. कि किस पिच पे आप बोलेंगे, कि क्या स्केल निर्धारित करेंगे उस स्क्रिप्ट का, ठीक है. सेकंड है पॉज. जैसे पॉज मैं आपको बार बार बता रहा था अभी, कि भाई पॉज लगाना, सही जगह पे पॉज लगाना जरूरी है, और वो तभी आप लगा पाएंगे अगर आप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे आराम से एक आध बार. लूजली अलाइन द आउटलाइन ऑफ द फुट एंड पेपर अरेंजमेंट सच दैट द पेपर इज विद इन द रेक्टेंगल. ओके फाइन. थोड़ा सा जहाँ फुल स्टॉप आता है, बी ट्राई टू बी क्लियर देयर. लाइक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो लास्ट वर्ड रेक्टेंगल था ना, तो वो रेक्टेंगल आप छोड़ रहे हो, उसको ऐसे कर रहे हो रेक्टेंगल. ओके, मैं कह रहा हूँ रेक्टेंगल. ओके, शुड आई स्टार्ट ओवर? यस, आप रिकॉर्ड करते हैं. 1 राइट फुट सिंगल पेपर टॉप व्यू. मोरओवर प्योर सब्सटेंसेस हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज which are different from properties of other substances. Also, the composition of pure substances cannot be changed during physical methods. Pure substances are homogeneous in nature, which means their composition is uniform throughout. So, a sample of pure substance contains the same particles as present in remaining portion. Particles नहीं, particles होगा. Okay. फिर से पूरा शुरू से. हाँ. क्षय या नष्ट न होने वाला. इसीलिए इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं वह सफल होते हैं और उनका अक्षय फल मिलता है.